दिस इज अवर एक्टिविटी जर्मिनेशन। अच्छा लगा आप लोगों को? ऐसे आप बहुत सारे सीड्स को आप जर्मिनेट कर सकते हो यही प्रोसेस में, नहीं तो कोई कोई सीड्स का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, लेकिन आप जर्मिनेट कर सकते हो ऐसा पेपर। मैम लेकिन मैंने कल डाला था पानी, लेकिन आज जो पौधा है वो पता नहीं डाले कि नहीं। हाँ ठीक है ना, अभी क्लास खत्म होने के बाद आप कॉल करना, पानी डालने बोलना, ठीक है। सी दिस इज द प्लांट। 3 दिन में हमने फ्राइडे को किया था, सैटरडे संडे, आज मंडे है, तो मंडे तक कितना बड़ा हो गया देखो। ये सबसे बड़ा किसका होता है? जिसका सनलाइट अच्छे से मिलता है और पानी अच्छे से मिलता है, बोलना मैम को मेरा निकला है। ठीक है, उनका स्प्राउट्स थोड़ा जल्दी बढ़ता है, हेल्दी बढ़ता है। जैसे हम अच्छा खाना, मैंने उसमें ज्यादा पानी डाला था, फिर मैंने मैं उससे सूपे निकाल दिया, फिर डाल दिया। मैम हो गया मैम, ज्यादा पानी डालने से। हाँ आ गया क्या बेटा काव्या, सॉरी गीत, आ गया क्या स्प्राउट्स? वाह वेरी नाइस, आ गया। देखो गीत का स्प्राउट्स देखो। वेट बेटा, गीत कहाँ है? गीत, वेर इज गीत? ये देखो गीत का स्प्राउट्स जो है, वेरी नाइस। वैसे रखो और 2 दिन रखो, जब प्लांट्स जर्मिनेट, जो स्प्राउट्स जो है बड़ा होने के बाद आप सॉइल में डाल देना, ठीक है। वेरी, और आप सभी लोग बहुत अच्छा एक्टिविटी किए हो, और हर रोज उसको पानी डालते रहना, यू शुड वाटर दोस प्लांट्स। ओके ओके, और यस मैम, और दो दिन उसमें क्या आंसर किए हैं कोई बताओगे? आप ये 2 दिन क्या किए हो, क्या क्या ऑब्जर्व किए हो उसमें बताओगे आप लोग? हाँ रब्दी बता रही है, बता। हाँ बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट यू। मैम आपकी वीडियो लग गई है, मैं जरा पानी डालूँ। बेटा मैं जिसको पूछ रही हूँ वही आंसर करेंगे। हूँ मैं वो, आई एम आस्किंग, दे ओनली आंसर, दे विल ओनली आंसर। ये 2 दिन हम जो जर्मिनेट करने के बाद, फ्राइडे के बाद हम जर्मिनेट फ्राइडे किए थे, जर्मिनेशन के लिए डाले थे, तो उस दिन से लेके आज तक उसमें आप लोग क्या क्या चेंजेस देखे हो, कोई ऑब्जर्व किए तो बता देना, ठीक है। यस रब्दी टेल मी व्हाट डू यू हैव ऑब्जर्वड इन दिस 3 डेज, आप क्या क्या ऑब्जर्व किए है इसमें? सबसे पहले हम जब बनाए थे तब थोड़ा सा बड़ा था, फिर दूसरे दिन एकदम छोटा सा व्हाइट कलर हुआ था, फिर तीसरे दिन क्या ऐसे थोड़ा सा ग्रीन कलर हुआ था, फिर चौथे दिन ऐसे जो अभी है वो है। वेरी गुड, और कोई? कल पता नहीं क्या होगा। हाँ कल पता नहीं क्या होगा, कल देख के फिर डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट, गीत आप बताओगे कि क्या ऑब्जर्व किए हैं आप, जिस दिन जर्मिनेशन के लिए हम डाले थे क्या क्या देखे हो, जर्मिनेशन देखे थे आप, ऑब्जर्व किए हो क्या क्या हुआ है, चेंजेस क्या क्या हुआ है? बता सकते हो आप जो देखे हो वो बताओ। What you have observed from germination, you can tell. चलो आप सोचते रहो, फिर मैं दूसरी से पूछूंगी। Yes, Arav Jain, first sit down properly. अब बताओ आपने germination activity किए हो? Yes, ma'am. ओके, वो आपका कप कहाँ है फिर, आप जो बनाए हैं वो कप कहाँ है? मैं वो विंडो के पास अभी मैंने लिखा था। ओके, विंडो के पास में है, लेकर आ पाओगे अभी, दिखाओगे मुझे? लेकर आने के प्लेस में है तो लेकर आओ, नहीं तो नहीं, ठीक है।
जब आप देखे हो क्या स्प्राउटिंग करते वक्त उसमें कुछ चेंजेस हुआ? मैम अभी थोड़े से चेंजेस देखे मैंने। हाँ क्या क्या चेंजेस देखे हो आप बताओ। ये एक्टिविटी को क्या बोलते हैं बताओ पहले, ये एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब उगाना, उगना। सो क्या 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 कुछ देखे हो कुछ मतलब वो हम वो सीड्स डाल के पानी डाल के रखने के बाद कुछ देखे हो आप? ऑब्जर्व किए हो कि नहीं किए हो? ऑब्जर्व नहीं किए। चलो और किसी से पूछते, ख्याति से पूछेंगे क्या ऑब्जर्व किए। ख्याति आप बताओ क्या ऑब्जर्व किए हो आप उसमें? What you have observed, Khyati? Can you please unmute yourself? I don't know where is she. Anybody else? कौन? रिधि सिद्धि बताओ आप लोग क्या ऑब्जर्व किए है? What you have observed? हाँ क्या ऑब्जर्व किए? जर्मिनेट हो गया। वेरी गुड। और कोई आगमन आरिका आप क्या ऑब्जर्व किए? आप क्या थी बताओ? मैंने उसमें पानी डाला और सनलाइट लगाया, इसलिए वो अब्जॉर्ब हुआ तो वो ग्रो हुआ। ओके, ग्रो होने के टाइम पे कुछ चेंजेस देखे हो आप? थोड़े थोड़े छोटे छोटे से प्लांट आए। छोटे छोटे से प्लांट आए। वेरी गुड। अभी आगमन आरिका आप बताओ कुछ चेंजेस देखे हो आप? आपने ऑब्जर्व किया रूट्स आया है। वेरी गुड। और काव्या आप बताओ आप क्या चेंजेस देखे? आप वहाँ छोड़ के आए हो ना, आपके नाना नानी के घर में छोड़ के आए हो ना उसको, तो आप देख नहीं पाए होंगे ना? यस मैम। क्या ना आप नहीं किए बेटा एक्टिविटी? मैम मैं की थी। काव्या की है। जैना जैना उस दिन आए नहीं क्या क्लास में आप? आज किए। उस दिन नहीं आए थे, आज करोगे? तन्मय बंसाली तो एक्टिविटी नहीं कर पाया है ना तन्मय? आप भी नहीं देख पाए हो? यस मैम। आप किए हो वो एक्टिविटी? यस मैम। कप में प्लांट्स आ गया नुशी? यस मैम। ओके गुड। नाम हमारी का बताओ। मैम हमारे पे सेकंड फ्लोर में। ना वो आ गया।
सो वी हैव डन द एक्टिविटी जर्मिनेशन. हमने जर्मिनेशन का एक्टिविटी किए है ना. तो पहले क्या होता है, जब हम सीड डालते हैं, सीड के ऊपर पानी डालते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सीड का साइज बढ़ जाता है. ओके, जो हमने सरसों डाले थे, तो सरसों का पहले आप अगर देखोगे तो वो ना थोड़ा मोटा हो जाती है, क्योंकि वो पानी सोख कर लेती है, पानी ले लेती है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाती है. ये कोई ऑब्जर्व नहीं किया ये चीज को कोई, वो थोड़ा सा मोटा हो जाती है. ओके, पानी सोख कर लेती है, थोड़ा सा मोटा हो जाती है, साइज बड़ा हो जाती है. एक दिन के बाद क्या होता है पता है, वो मोटा होने के बाद थोड़ा फट जाती है, उसके ऊपर हल्का सा मतलब वो दो 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 पीसेस में ऐसा हो जाती है, कट होता है, कट आता है वो सीड के ऊपर, छोटा सा कट आता है. कट आने के बाद उसके अंदर से पहले रूट आते, व्हाइट कलर पार्ट आती है, वो रूट हो जाती है, व्हाइट कलर पार्ट आती है. फिर उसके ऊपर से तीसरे दिन लीव्स आने लग जाते, ये चेंजेस होता है. ओके, यस आगमन आरिका, आई कैन सी योर कप, वेरी नाइस. यस, कहाँ है आगमन आरिका, उनका कप दिखा रहे थे. इस वीडियो ऑफ हो गया उनका. सो पहले क्या होता है, जब आप जर्मिनेट करोगे तो क्या होता है, पहले जर्मिनेशन करने के टाइम पे पहले क्या होता है, पहले जो सीड जो हम डाले हैं, सीड बोलते हैं जो दान है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड. सीड क्या होता है, पहले वो साइज में, साइज बड़ा हो जाती है, जैसे पानी डालते हैं उसमें भीगने के बाद वो क्या होते हैं, उसका साइज बड़ा हो जाती है. फर्स्ट डे शाम तक साइज बड़ा होने के बाद दूसरे दिन उसके ऊपर हल्का सा कट आ जाए, हल्का सा कट आ जाए. कट आने के बाद तीसरे दिन क्या होता है, उससे व्हाइट कलर का पार्ट निकल के आती है, जो रूट रूट में बदल जाती है. फिर रूट के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसमें लीव्स आ जाए, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. जैसे कि आप लोग अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो पता चलता है, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व किए कि नहीं, नहीं पता. ये है सरसों का सीड, हमने पहले भी ऐसे देखे थे. ओके, और ये दूसरा दिन जब पानी ऐड करते, दूसरा दिन पानी ले लेती है, इतना बड़ा हो जाती है, इतना बड़ा हो जाती है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा. ये है सरसों का सीड. फर्स्ट डे पानी डालने के बाद वो ऐसा है, थर्ड डे पानी उसके ऊपर हल्का सा कट आता है, ऐसा दो दो पार्ट्स में ऐसा हो जाता है, ऐसा कट हो जाता है ना. इसमें देखो कट हो गया ना, यहाँ पर कट हो गया, इसमें ऐसा कट हो जाता है. फिर नेक्स्ट डे ये कट में से आपको व्हाइट कलर का पार्ट है ना. फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ऐसा लीव्स आने लगे और इसमें ये व्हाइट कलर का पार्ट ऐसा रह जाता है, ये रूट हो जाती है ये, और ये जो है लीव्स और बड़े 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 हो जाते हैं. इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम, जर्मिनेशन बोलते हैं. ऐसा हुआ होगा, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे उसके ऊपर, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा होगा. ओके, और बताओ, आज तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को जर्मिनेशन के बारे में. और कल से, कल तो हमारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन है ना.